ये वाल हो गया, ये हाइडर आपको समझाया था जो ये वाल है, ये राइजर है और ये क्विक कपलर है। अगर चाहिए ऐसा कोई कपलर नहीं है और ये चूड़ी वाला मैंने आपको बताया भी था कि चूड़ी वाला इस्तेमाल हो रहा है लेकिन आप नहीं करना चाहिए इसके। देखिए प्लास्टिक के कब तक इसकी चूड़ी टाइट करते रहेंगे, आखिर में ये खराब हो जाएगा। कपलर ज़्यादा अच्छी चीज़, इसको फुल सर्कल भी कर सकते हैं, पार्ट सर्कल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वही बात है कि थोड़ा सा महंगा है। अगर आपने इसको करना है कि यार मुझे तो पूरा सर्कल चाहिए इसका, तो ये इसको नीचे कर दें, ये नीचे आ जाएगा, ये आप बता रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है, मुझे पार सर्कल चाहिए, ये इधर आ गया इसको, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, मिसाल के तौर आप कहते हैं यहाँ पानी लगे, ये तो इसको रेनगन को यहाँ खड़ा करें और ये ठीक हो गया, पानी यहाँ तक आ गया। फिर आप कहते हैं कि मुझे सामने यहाँ तक पानी चाहिए, बस आगे नहीं चाहिए, तो इसको ला के इधर रखें। या आप कहते हो कि नहीं मुझे मजीद यहाँ तक पानी चाहिए, तो इसको लाओ, इधर लाओ, इसके करीब करो इसको, ये इसको ठीक है, ये आप जाते हो गए, ये इधर आके रुक जाएगा, यहाँ से वापस जाएगा, ये इधर आके रुक जाएगा। ये नोज़ल है, ये चेंज हो जाती है, इसको खोलें, यहाँ से नोज़ल निकल आएगी, ये नोज़ल निकल आई, दूसरी नोज़ल लगानी है तो वो लगा लें। ये छोटी नोज़ल लगी इसलिए इसकी थ्रो भी बड़ी कम थी, नोज़ल के ऊपर नंबर लिखा होता है, नंबर ना लिखा हो तो इसको नाप लें फीते के साथ मिलीमीटर में, जो मिलीमीटर में नापने तकरीबन लगभग वही इसका नंबर भी होता है, 12 मिलीमीटर, आधा इंच है ना, आधा इंच है, ठीक। और ये रबर इसके इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो ना बन जाए, ये लीक करता रहेगा, ये रबर लग गया इसका वापस, ये चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ से कॉल कर रखी। अगर आपने कहना यार पानी थोड़ा तोड़ना है, मैंने थोड़ा फोक ज़्यादा बनानी है, तो इसको टाइट कर लें, ऊपर चला जाएगा, इस तरह वहाँ हमने किया। ये इसका छोटा नोज़ल है, इसी की वजह से ये घूमता है और करीब के एरिया में पानी, ठीक है, क्योंकि वो तो दूर के एरिया है, ठीक हो गया। तो इसकी भी सारे एडजस्ट हो जाती है ना, नहीं नहीं इसको एडजस्ट नहीं करना, ये जैसे आए इसके नीचे, ठीक है, इसका नीचे